स्टेशन पर कुछ इस तरह से जमीन पर बैठे रहते हैं एक यात्री। कोलारस लुकवासा में रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। यहाँ यात्रियों के बैठने से लेकर टॉयलेट व पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। स्थानीय लोग कई बार रेलवे प्रबंधन से लेकर जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रविवार को भी लुकवासा रेलवे स्टेशन को देखने आए रेलवे के JDURCC मेंबर को लोगों ने ज्ञापन देकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक कुछ साल पूर्व लुकवासा में पुराना भवन बना था, जिसमें यात्रियों को टिकट देने के अलावा बैठने की सुविधा भी थी। इस भवन को जर्जर होने के कारण रेलवे ने तोड़ दिया और कोरोना आने के बाद इस स्टेशन पर कोई कार्य नहीं हुआ। साथ ही जो बड़े रूट की ट्रेनें रुकती थी वह भी बंद हो गई, जबकि लुकवासा से हर रोज एक सैकड़ा यात्रियों का आना जाना होता है। साथ ही पास में ही अटरूनी पहुंच मार्ग का रेलवे अंडरपास निर्माण भी नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। रविवार को स्थानीय लोगों ने लुकवासा रेलवे स्टेशन पर भ्रमण पर आए JDURCC मेंबर सुनील आचार्य को ज्ञापन दिया और उस सुविधाएं उपलब्ध कराने व ट्रेन रुकवाने की मांग की। ये बता दें कि लुकवासा से करीब आधा सैकड़ा पंचायतें भी जुड़ी हैं और वहाँ के लोगों का भी यहाँ से आना जाना होता रहता है। कहाँ से आए हो आप? बसंतपुरा से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? गुना। अच्छा, गुना बस से नहीं गए? आप स्टेशन पे आए थे, जगह कुछ साधन नहीं मिल रहा बैठने उठने को। अच्छा, बैठने उठने का कोई साधन नहीं है। और बारिश आ गई तो आप कहाँ पे दुखोगे? यहाँ पे बाहर हम तो कहीं जाई भी जाएंगे और कहाँ दुखेंगे। अच्छा, हाँ तो और कहाँ जाएंगे? यही नहीं तो तुम्हें कुछ ठीक ना बाथरूम की व्यवस्था है कुछ भी तो नहीं है। आज हम अटूनी और लुकवासा गांव से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं लुकवासा रेलवे स्टेशन पर, जिसमें रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य श्री सुनील आचार्य जी यहां पर पधारे हुए हैं, जिनको हमने अवगत कराया है कि लुकवासा स्टेशन पर जो नया स्टेशन की जो बिल्डिंग बनाई गई है वो बहुत ही छोटी है, जो लगभग एक किचन के बराबर है, तो उससे हम नाखुश हैं सभी लोग। और दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर बड़ी स्टेशन की जो बिल्डिंग बनाई जाए पब्लिक को बैठने के लिए, कम से कम जो पहले थी 50x100 में, इतने के लगभग यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग बनाई जाए। और यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स की कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाएं अगर यहाँ पर आती हैं तो उनके लिए वॉशरूम वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों से हमने आचार्य जी को अवगत कराया है, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं इस बात को ऊपर रखूँगा। तो इन्हीं सभी समस्याओं को और बड़ी ट्रेनों का स्टॉप भी यहाँ पर कुछ मांग रखी है हमने। ये CC खड़ंजा डाला जा रहा है, इसमें क्या कमी पाई गई है? ये CC खड़ंजा में भी गुणवत्ता नहीं अपनाई जा रही है। इसमें जो मानक रहता है, जो 4:1 का रेशो बनाया जाता है, उसका मापन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही हल्का और घटिया कार्य किया जा रहा है, जिसके बारे में भी हमने आचार्य जी को अवगत कराया है। समस्या आप लगातार उठाते रहे हैं, आज क्या समस्या सामने आई? आज जैसे लुकवासा का पहले स्टेशन का था कि पहले पूर्व में, जैसे बताया अभी कि पूर्व में स्टेशन की लंबाई चौड़ाई बढ़िया थी, सब कुछ था, तो बीच में ऐसा हो गया कि नाबूद कर दिया गया था स्टेशन के लिए। फिर इसके बाद आप लोगों की जो आवाज़ उठाई गई ऊपर, और आवाज़ उठाते समय मुझे अधिकारी महोदय ने ये आश्वासन दिया था कि वहाँ पर स्टेशन बनेगा। चूँकि आज मैं उसी को देखने आया था तो देखा कि बहुत छोटा स्टेशन है, जबकि बताया था पहले 50-60 का था, शौचालय भी थे, यात्रियों को टी शर्ट वगैरह लाइट वगैरह व्यवस्था थी। चूँकि आज मैं देखा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हालांकि आप देख रहे हैं कि भारत सरकार जो आज स्टेशनों की एक तरह से प्रगति विकास कर रही है वो बहुत जल्द से जल्द और बहुत अच्छी हो रही है। चूँकि आज लुकवासा स्टेशन जो देखने में आ रहा, फिर मुझे ऐसा वो लग रहा है कि हमें पूर्व दिनों के दिन याद आ रहे हैं कि स्टेशन को इतना सब कुछ होने के बाद भी कि आगे क्यों नहीं बनाया गया। आज जैसा लोगों ने कहा है, इस बात को मैं अपनी मीटिंग के दौरान रेल महाप्रबंधक के समक्ष रखूँगा और ऊपर बात को रखूँगा कि भाई स्टेशन जहाँ पर दिनों में सैकड़ों सवारियों का आना जाना होता है, तो वहाँ पर टी सेट की व्यवस्था की जाए और हमारी टिकट खिड़की की व्यवस्था की जाए, और जो हट बनाई गई है वो एक स्टेशन के रूप में एक बनाई जाए तो यात्रियों को अच्छा लगेगा। और दूसरा जो ज्ञापन दिया गया है कि लोगों ने कि अगर बड़ी गाड़ियों को यहाँ पर रोका जाए, जैसे हमारा व्यापार है, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं, इंदौर ग्वालियर नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी गाड़ियों का यहाँ पर ठहराव किया जाए जिससे हम लोगों का ये कार्य हो, शिक्षा का क्षेत्र अच्छा हो, व्यापार बढ़े हमारा, और जिससे ऐसा नहीं है कि हम लोगों को भी लाभ होगा बल्कि रेलवे के राजस्व में भी लाभ होगा। तो कॉम्प्लेक्स के बारे में भी हाँ, सुलभ कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बताया कि पूर्व में ऐसा था वहाँ पर, चूँकि अब नहीं, अगर
यात्री यहाँ पर आ जाते हैं तो कहाँ पर उनको पानी पिएंगे, कहाँ पर लेट बाथ जाएंगे, जैसे महिलाएं आती हैं तो महिलाएं कहाँ पर खुले में शौच करने के लिए, खुले में वॉशरूम के लिए जाएंगे, तो ये समस्या यात्रियों ने यहाँ पर उठाई है, जिसके लिए मैं वहाँ पर ऊपर बात रखूंगा।